नमस्ते, मेरा नाम हिल्लोल सरकार है। आज हम बताने वाला है एसीबी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो एसीबी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम आ सकता है और उसके बारे में हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो सब बारे में आज डिटेल्स बताना बना है। तो आप पहले एक वीडियो देखिए, तो एसीबी का हमारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले एक वीडियो देखिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है उसके बारे में हम एक एक करके बताऊंगा। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट का फॉल्ट का चलते हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे कनेक्ट होता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम बताऊंगा। पहले एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम उसको डिटेल्स बता रहा हूँ, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम कर रहा है, कहाँ कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, देख लिया है जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, किसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अभी आज अभी हम बताऊंगा जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे कनेक्ट होता है, मतलब जॉब कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन कहाँ रहता है, कैसे उसको कनेक्शन होता है। तो हम बता रहा हूँ, तो हम एक बार बोल दे रहा हूँ। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट से किए सबसे पहले हमारा हमारा जो 11 KV सबस्टेशन रहता है, 11 KV जो हाई वोल्टेज रहता है, 11 KV ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी मतलब प्राइमरी साइड में, उसी जगह से हमारा जो सप्लाई आता है सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड में आउटपुट में, मतलब ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का आउटपुट। ऐसे देखिए, ये हो गया माँ, ये हो गया आपको आर और ये मतलब 11 KV है, 11 KV है। यहां से आपको थ्री फेज कहा जाएगा, यहाँ पे थ्री फेज आपको जाएगा ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर में आपको थ्री फेज सप्लाई जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकलेगा, उसके बाद आपको निकलेगा मतलब डेल्टा स्टार में, तो क्या होगा हमारे स्टार कनेक्शन होके निकलेगा। मतलब आर ऑय बी एक न्यूट्रल है, तो क्या हुआ ये हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया। ये जगह 11 KV है, ये जगह 450 वोल्ट है। ठीक है, देखिए क्या करके, ये हमारा जो सबस्टेशन है ना, सबस्टेशन में डॉल होता है, गैंगसिस होता है, ऊपर में सीटीपीटी रहता है, मतलब 11 KV में सीटीपीटी रहता है। ओके, हमारे प्राइमरी साइड में हमारा क्या आएगा, प्राइमरी साइड में हमारा 11 KV आएगा। तो 11 KV से हमको कितना वोल्टेज बनाना है, 450 वोल्टेज बनाना है, 450 वोल्टेज। ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट साइड, ट्रांसफॉर्मर आउटपुट साइड। ये आउटपुट साइड से हमारा क्या होगा, अभी देखिए, ये जो आउटपुट साइड से, ये जो आउटपुट साइड से आपको ट्रांसफॉर्मर से आउटपुट साइड से आर वाई बी एक न्यूट्रल है। तो हमारा क्या है, अभी देखिए जॉ कॉन्टैक्ट कैसे कनेक्ट होता है। अभी क्या है, एसीबी का जो जॉ कॉन्टैक्ट रहता है किडल कॉन्टैक्ट, CRADLE किडल कॉन्टैक्ट। किडल कॉन्टैक्ट में ऐसे और छोटे ऐसे पाती जैसे रहेगा, तीन तो हो गया, तीन हो गया इनकमर हो गया और तीन हो गया, तीन तो हो गया आउटगोइंग हो गया। मतलब एसीबी की जब चार्ज करेंगे सबसे पहले आके इसमें कनेक्ट होगा, आके इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, ये आर वाई आर बी, और न्यूट्रल जो है ना वो हमेशा डायरेक्ट रहता है एसीबी में, न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है। तो हमारा जब आप एसीबी चार्ज करिएगा, चार्ज करने के बाद क्या होगा, ये सप्लाई इसमें आएगा, ये सप्लाई इसमें आएगा, तो क्या होगा हमारा, ये हो गया इनपुट साइड और ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, ये होके हमारा कहा जाएगा, ये होके हमारा, ये हो गया हमारा, ये होके कहा जाएगा, ये होके जाएगा हमारा पैनल में चल जाएगा डायरेक्ट, एमसीसी भी हो गया, कोई एमसीबी हो गया, कोई भी जगह हमारा एमसीसी जो तो मोटर कंट्रोल सिस्टम में वो जगह हमारा चल जाएगा, कि पावर कंट्रोल पीसीसी में चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा कहा रहता है, ये जो किडल कॉन्टैक्ट में कनेक्ट रहता है, किडल कॉन्टैक्ट बीच में दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको बोलता है जॉ कॉन्टैक्ट, जॉ कॉन्टैक्ट इसके साथ कनेक्ट आएगा, कनेक्ट होके इसके साथ ये कनेक्ट, जब आप ऐसे भी चार्ज करिएगा तो कनेक्ट होके ये इसमें साथ आ जाएगा, आके ये सप्लाई हमारा डायरेक्ट चल जाएगा, हमारा पीसीसी में चल जाएगा, एमसीसी में चल जाएगा, मतलब मोटर कंट्रोल सर्किट में चल जाएगा। एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है, मोटर कंट्रोल सर्किट, जो मोटर में हमारा टोटल कंट्रोल होता है। तो हमारा क्या है, ये सप्लाई हमारे इसमें आया, इसमें होके हमारा सप्लाई, तो इस जगह छोटो किडल कॉन्टैक्ट रहता है और ये जॉ कॉन्टैक्ट दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं जॉ कॉन्टैक्ट, मतलब
ये हमारा आउटपुट साइड, ये हो गया इनपुट साइड। तो हमारा अभी बताना है, ये तो कनेक्शन हम बता दिया, इसको होके आप जब पीसीबी चार्ज करेगा तब सप्लाई इसमें होके हमारा टर्मिनल चल जाएगा, मगर अभी हमको बताना है इसका चलते क्या का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, आप पीसीबी चार्ज कर जाइए, ये हमेशा हाई मतलब हाई एम्पियर लेके चलता है, मतलब हाई लोड लेके ये चल रहा है। तो क्या है, आप पीसीबी चार्ज कर जब पूरा फंक्शन आपको चल रहा है, क्या है बीच में इसको धुआं निकल दिया, धुआं निकल दिया मतलब क्या है इसमें आग लग गया, आपको पता नहीं चला गया, इसके चलते क्या है पूरा पैनल जो है ना, पूरा पैनल आपको जल सकता है। इसीलिए सबसे पहले पैनल को आपको सेफ्टी करिएगा, तो सबसे पहले बीच बीच में एसीबी को निकल के उसको जॉ कॉन्टेक्ट कैसे है, कीडल कॉन्टेक्ट कैसे है, उसको चेक करना जरूरी है। मायने में कम से कम एक बार तो चेक करना जरूरी है, कोई भी जॉ कॉन्टेक्ट उसको खराब हो जाएगा तो उसको फिर कनेक्ट मत करिएगा, उसको चेंज करके उसको दूसरा जॉ कॉन्टेक्ट डालिए, उसको कीडल कॉन्टेक्ट फिर डालिए, उसके बाद उसको कनेक्ट करिए, तो हमारा पूरा पैनल रूम भी सेफ्टी रहेगा, हमारा मोटर भी। इसका चलते क्या है, हम खुद देखा है पूरा आग जल जाता है, पूरा धुआं निकल जाता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये जो कीडल कॉन्टेक्ट जो है, ये जो अलग अलग जो रहता है, ये इनपुट है या आउटपुट है, मतलब ये जगह दोनों शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट होकर आप ब्लास्ट हो सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जॉ कॉन्टेक्ट को निकालिए, एसीबी को निकाल के उसको फिर खराब होगा तो चेंज करिए, फिर दूसरा हाफ जॉ कॉन्टेक्ट डालिए, नहीं तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, पैनल भी जल सकता है। इसमें बहुत मतलब आदमी ध्यान नहीं देता है, एसीबी चालू करके चल जाता है, मगर बीच में इसको ब्लास्ट होके आग बड़ा आग लग सकता है। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज का तभी इतना ही है, थैंक यू।